गाइस, दुनिया में हर एक चीज को बनाने का एक पर्पस होता है। कुछ ऐसी भी इंटरेस्टिंग चीजें हमारी डेली लाइफ में प्रेजेंट होती हैं जिन्हें बनाया तो एक पर्पस के लिए जाता है, बट उनके बारे में बहुत कम ही को पता होता है। और हमारी डेली लाइफ में ऐसे भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें बनाया तो किसी और पर्पस के लिए किया था, बट बन कुछ और ही गई। तो चलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन इम्पोर्टेंट चीजों के रियल पर्पस को जानते हैं जिन्हें आज तक हम इग्नोर ही करते आए हैं। लाइक ट्रेन के ऊपर ये उभरी हुई चीज क्या है, लिफ्ट में प्रेजेंट इन होल्स का क्या यूज है, एलपीजी सिलेंडर में होल्स और कोट्स क्यों होते हैं, हाई हील्स को बनाने का रियल पर्पस क्या था, वैसे तो ये लड़कियों के लिए बिल्कुल भी बनाई नहीं गई थी। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजों के रियल पर्पस को जानते हैं जिन्हें हम आज तक इग्नोर ही करते आए हैं, और जिन्हें जानकर आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। गाइस, आपने ट्रेन के ऊपर ये उभरी हुई चीज को तो जरूर देखा होगा, बट आखिर ये चीज होती क्या है और इसका मेन पर्पस क्या है? तो यारो, आप ये जानकर चौंक जाओगे कि ट्रेन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर ये ना हो तो ट्रेन डिसबैलेंस भी हो सकती है। एक्चुअली ये हमारे घर में लगे वेंटिलेटर्स की तरह ट्रेन के रूफ वेंटिलेटर्स होते हैं जो ट्रेन में जमे गर्म हवा को बाहर निकालते हैं। ये ट्रेन में इस तरह जालीदार और ट्रेन के बाहर इस तरह उभरे हुए दिखाई देते हैं। अगर आप प्रोफेशनल चोर हो तो आपको ये पहले से ही पता होगा, बट एज आई नो कि आप चोर नहीं हैं और बनो भी नहीं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप ट्रेन में लगे फैंस एंड लाइट को घर में जलाने की कोशिश करोगे तो भाई भूल जाओ, क्योंकि वो फैंस आपके घर में ना तो कभी चलेगी और ना वो लाइट कभी जलेगी। और इसकी वजह यह है कि रेलवे ने इसके पीछे खतरनाक दिमाग लगा रखा है। रेलवे ने अपने फैंस और लाइट को 110 वोल्ट पर सेट कर रखा है। अब मैं आपको बता दूं, 110 वोल्ट का करंट सिर्फ और सिर्फ रेलवे में ही आती है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 वोल्ट की होती है। और अगर आप पिट पिटा कर अपने घर में ये फैंस और लाइट ले आते हो ना, तो फिर आपके मुंह से भी यही निकलेगा। ये तो टट्टी है। हाई हिल्स अंकल जी प्रणाम। अरे अरे बेटी, आराम से इधर इधर आ जाओ। ओ तेरी, अरे चाचा को तो चूना लग गया जी, ये चंपा के अंदर तो चंपू निकला। अरे भाई हम हंस क्यों रहे हैं, चंपू भाई ने वही तो चीज पहनी है जो कि लड़कों के लिए बनाई गई थी। लगाना शौक। यस गाइस, आपने सही सुना, हाई हील सबसे पहले लड़कों के लिए डिजाइन किया था, जिसे 10th सेंचुरी में पर्शियन सोल्जर ने हॉर्स राइडिंग के समय अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया था। तो अब आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा कि ये चीज अगर लड़कों के लिए बनी थी तो आज के टाइम पर यह सिर्फ लड़कियों के पैर में ही क्यों दिखाई देती है। तो भाइयों, इसके पीछे का कारण फिरंगियों का बेहतरीन दिमाग है जो उस टाइम पर पीक पॉइंट पर था। जब तक ये हाई हील्स पर्शियन सोल्जर के पास थे तब तक वो इसे अपनी स्टेबिलिटी के लिए यूज करते थे, पर जैसे ही ये यूरोप के कुछ क्रिएटिव लोगों के हाथ लगा, उन्होंने इसे सीधे उठाकर लड़कियों के पैरों में डाल दिया, और इसी वजह से ये लड़कों के पैरों की जगह लड़कियों के पैरों में दिखती है। होल इनसाइड लिफ्ट। गाइस, आप अपनी जिंदगी में उस यंत्र से तो जरूर मिले होंगे जो आपको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी लाती है। हाँ दोस्तों, अगर आपने इन लिफ्ट का यूज किया होगा तो कभी आपने इन लिफ्ट के प्रेजेंट इन होल्स को देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि लिफ्ट में प्रेजेंट ये होल्स इमरजेंसी कंडीशन में आपकी जान भी बचा सकती है। एक्चुअली लिफ्ट में प्रेजेंट ये होल्स की होल्स होते हैं जिससे इमरजेंसी कंडीशन में लिफ्ट को मैन्युअली ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। अब भाइयों, हम सब चीजें ऑटोमेटिक तो नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ दी तो कहीं यमराज की ऑटो में टिकट नहीं कट जाए। सिलेंडर होल्स एंड कोट्स। गाइस, आपने अपने घर में सिलेंडर के इन होल्स को जरूर ऑब्जर्व किया होगा, पर क्या ये पता है कि आखिर क्यों बनाए जाते हैं? तो भाइयों, ये कंपनी वालों ने कॉकरोच के लिए घर बनाने के लिए नहीं दिया है, इन होल्स का रियल पर्पस सिलेंडर को ठंडा रखने के लिए डिजाइन किया है। यस गाइस, ये होल्स बाहर की एयर को सिलेंडर के बॉटम सरफेस तक पहुंचाते हैं जिससे कि सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो गाइज, अगर हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं सिलेंडर के इन कोड्स को डिकोड किया जाए। एक्चुअली ये सिलेंडर के सीक्रेट कोड होते हैं ना, वो सिलेंडर की फिजिकल चेकअप डेट होती है। ए टू डी सिलेंडर के फिजिकल क्लीनअप के मंथ को रिप्रेजेंट करता है, और वही टू डिजिट नंबर उसके ईयर को। ए मीन्स जनवरी टू मार्च मंथ, बी मीन्स अप्रैल टू जून मंथ, सी मीन्स जुलाई टू सेप्टेम्बर, डी मीन्स अक्टूबर टू दिसंबर मंथ। और जो ये टू डिजिट नंबर होता है ना, वो ईयर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। जैसे 13 नंबर है वो
ईयर 2013, सिंपली बोलूँ तो D13 सिलेंडर के फिजिकल चेकअप डेट अप्रैल टू जून 2013 को रिप्रेजेंट कर रहा है। गाइस, सिलेंडर की फिजिकल क्लीनअप डेट इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है ताकि अगर उसमें कोई भी फॉल्ट हो तो उनको किसी एक्सीडेंट के होने से पहले सही तरीके से रिपेयर कर सके। तो चलो गाइस, इसी से एक मजेदार गेम खेलते हैं। अभी आपने जिस कोड को डिकोड करना सीखा है उसी से आप अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट कर दो, और हाँ, साथ ही अपना नाम भी बता देना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना बिल्कुल मत भूलना। कोका कोला। आजकल अगर पार्टी में कोका कोला ना हो तो यारो पार्टी पार्टी नहीं लगती। तो यारो, आपको पता है कि कोका कोला आखिर किस पर्पज से बनाया गया था? अगर नहीं तो आपको जान लेना चाहिए कि ये पहले के समय में बहुत ही ज्यादा यूजफुल था। पहले के समय में ये ड्रग्स एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन और ऐसे ही सब चीज़ों को छुड़ाने के लिए यूज़ किया जाता था। और कोका कोला पहले हेडेक और स्टोमक पेन को भी कंट्रोल करता था। ये एक टाइप से दवा थी। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। देखा, बाबू भैया को भी पता था। आज ये सिर दर्द हटाने की जगह सिर दर्द और मोटापा दे रही है। आज हम पार्टी में शौक से दवा पीते हैं। वाह। फेविक्विक। ओ जी रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये बहुत ही डेंजरस है। एक मिनट, आपको भी अभी अभी ऐसे ही लग रहा होगा ना, पर ये इतना भी डेंजरस नहीं है। जब आप जानोगे कि फेविक्विक को बनाने का रियल पर्पस क्या था तो फिर ये आपको भी इतना डेंजरस नहीं लगेगा। सबसे पहले फेविक्विक को वॉर के टाइम पर बनाया गया था, और वो भी सोल्जर्स के घाव को ठीक करने के लिए। यानी कि अगर वॉर के टाइम पर किसी को चोट लग जाती थी तो फिर वो फेविक्विक से अपने चोट को चिपका सकता था। ये चोट को ठीक तो नहीं करता था पर उसे इन्फेक्शन से बचाता था। यारो, आज के फेविक्विक उस टाइम के फेविक्विक से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। एग्जैक्ट सेम तो नहीं पर काफ़ी ज़्यादा मिलती है, इसलिए आप बिल्कुल भी मत डरो, आपको फेविक्विक से कुछ नहीं होगा। पर यारो, फेविक्विक फेविक्विक है, इसलिए इसको नाश्ते में खाने मत लग जाना। जेन्युइन लेदर। गाइस, आपने कई बार देखा होगा जब भी आप लेदर से रिलेटेड कोई भी चीज़ लेते हो तो फिर उसके नीचे जेन्युइन लेदर लिखा होता है, और उसे देखकर हमें लगता है ये लेदर तो एकदम ओरिजिनल है। बट असलियत में इसका कुछ और ही मतलब है। एक्चुअली में इसका मतलब 3 ग्रेन का लेदर होता है। देखो यारो, लेदर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि सबसे पहले अच्छा लेदर यानी कि फुल ग्रेन लेदर आता है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है टॉप ग्रेन का लेदर, और फिर क्वालिटी में थर्ड नंबर पर आता है जेन्युइन लेदर, और फिर लास्टली सबसे बेकार लेदर होता है बॉन्डेड लेदर। तो आपको कोई दुकानदार ये बोलकर उल्लू बनाने की कोशिश करे कि सर ये सबसे बेस्ट लेदर है, देखिए यहाँ पर जेन्युइन लेदर लिखा है, तो उसे आप एक ही बात बोलना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो यही होती है वीडियो खत्म। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको ऐसी फंटेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा देना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंटायर वीडियो।